रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल देख रहे सारिया नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अक्सर लोगों का सवाल हुंदा है कि पितरां दी पूजा क्यों करनी चाहीदी है ते किवें करनी चाहीदी है, पितरां दी घर विच जगह बनाउणी चाहीदी है या नहीं, पितर नाराज क्यों हुंदे ने ते ओ राजी किवें हुंदे ने, नाराज हो जाण ते सानू की नुकसान पहुँचा सकते ने। इन्हां सारे सवालों का जवाब अज की इस वीडियो च मैं तुहानू दवांगा। पर उस तो पहला जेकर तुसी रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल नू हाले तक सबसक्राइब नहीं किया है तो इस नू सबसक्राइब कर लवो ते कैंटी वाला बटन जरूर दब लेना ता जो हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहाडे कोल सब तो पहला पहुँच सके। दोस्तों, पितर साडे घर दे वड्डे बजुर्ग हुंदे ने जो इस दुनिया विच नहीं है, वह इस दुनिया नू छड्ड के चले गए है। जिस घर दे पितर नाराज होण या जिस घर विच पितर दोष हो जावे वो घर बर्बाद हो जाता है, उस दे सारे काम कार रुक जाते हैं, वंश अगे नहीं वधदा, पैसे धेले की इन्नी दिक्कत आ जाती है कि बंदे नू मंगना भी पै सकता है। पितर बंदे नू राजा तो रंक बना सकते हैं ते रंक तो राजा। पितर नाराज होण तां घर विच भूत प्रेत होर कई नैगेटिव चीज़ां दा वास होना शुरू हो जाता है। हर घर की पितर ही रक्षा करते हैं ते जेकर वह नाराज हो जाण तां वह अपना पैरा घर चों हटा लेंदे है ते फिर जो हुंदा है वह कोई भी बर्दाश्त या सहन नहीं कर पाउंदा। घर विच कलेश, पैसे की कमी, वंश का रुक जाना, हर काम विच अड़चन आनी शुरू हो जाती है। इसलिए जदों तुसीं कदे किसे कोल जाओ तां ओह तुहानूं दसे कि तुहाडे पितर नाराज है, पितर दोष आ रहा है, तां कई लोग कहिंदे है कि ओह साडे अपने सी, ओह नाराज क्यों हो गए या किवें हो सकदे है। तां मैं तुहानूं दस देवां कि जदों कोई मर जांदा है उदों ओह साडा नहीं रहिंदा, ओह प्रेत योनी विच चला जांदा है। उन्हां नूं शुद्ध करके असीं पित्तर बनाउने आ ते उन्हां नाल आपदी रक्षा करदे हां। पर जेकर वह प्रेत योनी दे विच आ जांदे है, वह दुखी हो जांदे है, नाराज हो जांदे है, तो वह प्रेत योनी दे विच चले जांदे है ते प्रेत किसे दा भी सगा नहीं हुंदा। इसलिए जदों तुसीं कदे किसे कोल जाओ तां वह तुहानूं दसे कि तुहाडे पित्तर नाराज है, पित्तर दोष आ रहा है, तां कई लोग कहिंदे है कि साडे पितर साडे अपने सी, वह साडे तो नाराज किवें हो गए या किवें हो सकते है। तां मैं तुहानूं दस देवां कि रोटी सेवा भोग प्रसाद हर किसे नूं चाहिदा है। जिवें असीं रब नूं भगवान नूं भोग प्रसाद दिंदे हाँ, पितर भी उवें ही पालदे है। हर अमावस्या दा दिन पितरां दा हुंदा है, उस दिन पितर घर विच आउंदे है ते जेकर असीं पितरां दी अमावस्या नहीं कटदे तां उन्हां नूं अमावस्या वाले दिन रोटी नहीं खवाउंदे तां ओह भुखे ही मुड़ जांदे है ते जदों कोई बंदा किसे दे घरों भुखा मुड़ जावे तां ओह आशीर्वाद तां दिंदा नहीं, नाराज़ हो के चला जावे तां ओह बद्दुआ ही दिंदा है ते साडे पित्तर भी उवें ही नाराज़ हो के जांदे है ते सानूं नुकसान होण लग जांदा है। कई लोग साल च एक दिन पित्तरां दा रखदे है श्राद्धां च ते कई लोग हर अमावस्या ते कई अमावस्या ते पुन्या दोनों दिन रोटी खवाउंदे है। तुसीं जिन्नी सेवा आपदे पितरां दी करोगे वह उन्ने ही खुश होणगे ते तुहानूं आशीर्वाद देणगे। कई बार कई बंदे चौंकी ते जांदे है या फिर किसे भगत कोल जांदे है तां उत्थे चौंकी दी पुछा निकलदी है कि पितर स्थान मंग रहे है, तां इसदा मतलब यह है कि पितर पितर लोक विच नहीं रहना चाहते, वह तुहाडे कोल ही रहना चाहते है, वह भटक रहे है, तुसीं उन्हां दा स्थान बना दिओ, उन्हां नूं थां आपदे घर विच दे दिओ। दोस्तों, पितर खुश होण तां दुनिया की हर शै तुहानूं मिल सकती है। तुसीं पितरां नूं खुश करो ते उन्हां नूं चंगी तरह उन्हां दी सेवा करो तां तुहाडा जिहड़ा भविख है वह संवर सकता है। जिन्हां दे पितर थां मंगदे है वह अपने घर की छत ते खुले आसमान च उन्हां दा थां जिहड़ा है वह बना सकते है। किसी कोले खाली प्लाट पिया तां उत्थे बना सकते है या खेत दे विच बना सकते है। ये ध्यान रहे कि खुला आसमान जिहड़ा है होना चाहीदा है।
रोज़ उस थां की जिहड़ी है साफ सफाई करो, दो अगरबत्तियां जगाओ, अमावस्या वाले दिन सवेरे रोटी बनानी है, खीर जरूर बनानी है या कोई सफेद रंग की जिहड़ी मठियाई है वह तुसी दे सकते हो। हलवा पूरी बनाओ तो सब तो ज़्यादा फायदा हुंदा है। रोटी बना के पंज पूरियां या पंज रोटियां उन्हां ते सब्जी, जे हलवा बनाया तो हलवा, खीर जे मठियाई है तो मठियाई उन्हां उत्ते रख के एक गिलास पानी दा नाल लै के पितरां दे स्थान ते रख देना चाहिदा है। ते अरदास करनी चाहिदी है कि मेरे पितरो, जो भी तुहाडे पितर है उन्हां दा नाम भी तुसी जरूर लैना है। जिवें कि तुहाडे पिता जी तुहाडे पितर है तो तुसी कहना है हे मेरे पिता जी, जे दादा जी है तो हे मेरे दादा जी, जे चाचा है तो हे मेरे चाचा जी। मेरे पिता जी, चाचा जी, दादा जी, भोजन तैयार है, तुसी इसनू खाओ, इसनू छको, इस घर ते अपनी मेहर रखो, सानू आशीर्वाद दिओ, ते मत्था टेक के पासे हो जाना है। 15 या 20 मिनट बाद वह जिहड़ा रोटी है, वह जिहड़ियां पंज रोटियां तुसी रखियां है, पंज पूरियां तुसी रखियां, उन्हां विचों एक पूरी कुत्ते नू पा देनी है ते बाकी दियां जिहड़ियां चार है वह घर विच वंड के प्रसाद वांगू खा लैणियां है। जेकर तुसी पितरां नू रोटी खवाउण तों पहलां स्नान करा देवो यानी उन्हां नू नवा देवो तो पितर होर ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सवेरे सवेरे एक गिलास विच कच्ची लस्सी लै लैनी है, उस विच एक पतासा या थोड़ी जी मिश्री घोल लैनी है। पितरां दे स्थान ते जाके पितरां नू कहना है नाम लैके कि पिता जी, दादा जी, चाचा जी, स्नान कर लवो, ते थोड़ा थोड़ा पा जिहड़ा उह कच्ची लस्सी है उह छिट्टा दिंदे रहना है। ते जेकर ये काम कोई औरत कर रही है या कुड़ी कर रही है तो वह कुंड कढ़ना भुले ना, कुंड जरूर कढ़ लवे। इस तरह करन नाल तुहाडे पितर खुश हो जाते हैं ते तुहानू हर प्रकार की खुशी दिंदे है। पितरां तो वध के कोई नहीं हुंदा, जिन्हां दे पितर नाराज हुंदे है उस घर विच देवते भी नहीं आउंदे, सिर्फ बुरियां चीज़ां ही आउंदियां है जो तबाही मचा दिंदियां है। इस लई पितरां नू हमेशा खुश रखो। जेकर तुसी हर अमावस्या करदे हो यानी ये सब जिहड़ा काम है हर अमावस्या वाले दिन करदे हो ता उस तो वधिया कोई गल नहीं, पर जेकर तुसी अमावस्या ते पुन्या दोनों दिन कर सकते हो ता ओ ता सोने ते सुहागे वाली गल हो जाएगी। तुहाडे पितर इन्ने खुश हो जाएंगे, इन्ने मजबूत हो जाएंगे कि तुहाडी हर इच्छा मिनटां दे विच पूरी करनगे ते तुहानू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराउणगे, हर खुशियां तुहानू मिल जाणगियां, ओ वी जो तुसी मंगोगे मिनटां दे विच तुहाडे पितर तुहानू दे दिया करनगे। उम्मीद करता हाँ कि आज दी ए वीडियो तुहानू पसंद आई होवेगी, इसनू शेयर करना बिल्कुल ना भुलना ता जो किसे जरूरतमंद तक ये पहुँचे ते ओ भी आपदे पितरां नू मना के खुशियां हासिल कर सके।